वैज आज मैं शुरू करूंगा मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट, कैबिनेट की यानी जो आज हम लोग रूप देख रहे हैं उसकी शुरुआत कब से हुई? मंत्रिमंडल गाइज बात उस समय का है जब इंग्लैंड में नॉर्मन एंड जीवन काल दस सौ छियासठ ईस्वी से लेकर 1153 ईस्वी तक इसका शासन हुआ था, जिसमें राजा विलियम, शासक थे। गाइज इससे पहले था एंग्लो सैक्सन काल, उस समय राजा पर नियंत्रण करने के लिए एक संस्था थी बिटनेज मोट, या बिटेन कहा जाता है, सॉरी बिटनेज मोट। मोट ये क्या करता था? राजा पर नियंत्रण करता था ताकि राजा निरंकुश ना हो, जनता के हित में काम करे। राजा पर नियंत्रण, गाइज राजा विलियम जो कि नॉर्मन एंजीवन काल के थे, उन्होंने विटनेज मोट को समाप्त कराकर मैग्नम कॉन्सिलियम और क्यूरिया रेजिस दो संस्था बनाए, पहला मैग्ना कॉन्सिलियम और दूसरा क्यूरिया रेजिस। बाद में क्या हुआ कि ये क्यूरिया रेजिस जो है, यहीं से हम लोग का कैबिनेट की इतिहास शुरू हुआ। क्यूरिया रेजिस के बाद ये प्रिवी काउंसिल के नाम से जाना जाने लगा, प्रीवी काउंसिल। तो फ्रेंड्स ये जो प्रीवी काउंसिल है, ये एक वैसी संस्था था जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, उस समय तो प्रधानमंत्री नहीं थे, राजा थे। राजा जो है मुख्य मुख्य मंत्री, जो मेन मेन मंत्री होते हैं, उनसे एक सलाह लेने का एक संस्था था। और इस प्रीवी काउंसिल में एक बैठक होती थी जिसमें मेन मेन मंत्री होते थे, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री आजकल जो होते हैं। ये प्रीवी काउंसिल आगे चल के कैबिनेट में बदला, कैबिनेट में। अब मैं आपको इस कैबिनेट के बारे में विस्तार से बताऊंगा ताकि आप बढ़िया समझ जाएं। गाइस ध्यान से देखिए, हमारा जो ये प्रीवी काउंसिल था, प्रीवी काउंसिल आगे चल के एक कैबिनेट, कैबिनेट से फिर आगे चल के आज जो हमारा मंत्रिमंडल है वो बन चुकी है, वो हम जो लोग देख रहे हैं जहाँ प्रेजेंट टाइम में, एट प्रेजेंट टाइम मंत्रिमंडल। ये कैबिनेट क्या है इसे आप समझिए, ये दो शब्दों से मिलकर बनी है। सॉरी ये जो कैबिनेट है, कैबिन कैबिन का हिंदी होता है कक्ष, कक्ष या कमरा। वो कक्ष या वो कमरा था जो राजा अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा करते थे, कोई कानून को लेकर, जनता के हित को लेकर, देश की सुरक्षा के लेकर, वही इस कैबिन में होती थी। ठीक, टाइम आगे आते गई, भविष्य में फिर क्या हुआ कि मंत्रियों की संख्या बढ़ती गई, तो ये जो कक्ष है वो छोटा पड़ गया। इस कैबिन में ये काम नहीं हो सकता था, इसलिए आगे चलकर फिर कैबिनेट बना दिया गया। कहें तो मंत्रियों की संख्या बढ़ने पर, मंत्रियों की संख्या बढ़ने पर इस कैबिन का स्थान कैबिनेट ले लिया, कैबिन का स्थान कैबिनेट ले लिया।
और फिर आगे चलकर यही कैबिनेट हमारा मंत्रिमंडल कहलाया। और ये मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिमंडल इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होता है कोई भी राष्ट्र का, पीएम। इंडिया का बात करें तो इंडिया में नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। और इस मंत्रिमंडल में लगभग 20 से 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक हमारा पीएम है। कैबिनेट, हेड ऑफ द कैबिनेट यही है। इसके बाद रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, खाद्य मंत्री, संचार मंत्री और बहुत सारे होते हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो अच्छे से समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बार और मैं आपको बोल दूँ कि यदि आपको PDF चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप टेलीग्राम पर जाकर भास्कर राज मोटिवेशन चैनल सर्च करके वहाँ ज्वाइन हो जाइए। भास्कर राज मोटिवेशन। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।